Priyanka bought a box of chocolates. She has eaten 1/4 of them. 33.33% of remaining chocolate she gave to friends. She gave 20% of remaining chocolate to some kids. If she left with 48 chocolates, how many chocolates were there in the box? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को करने के मैं दो तरीके बताऊंगा. सबसे पहले सबसे बेसिक तरीका देखते हैं. हम मान लेते हैं कि उसके पास 100 चॉकलेट्स थी. 100 में से उसने 1/4 खा ली. 1/4 खा ली तो 25 खा ली. बची कितनी? 75. अब 75 में से उसने 33.33% चॉकलेट्स फ्रेंड्स को दे दी. तो 33.33 1/3 होता है. तो इसका 1/3 क्या होगा? 25. तो बची कितनी? 50. अब बची में से उसने 20% किड्स को दे दी. इसका 10% 5 होगा, 20% 10 होगा. तो 10 उसने किड्स को दे दी. बची कितनी? 40. इफ शी लेफ्ट विथ 48 चॉकलेट्स, मतलब इस 40 की एक्चुअल वैल्यू 48 चॉकलेट्स दी गई है क्वेश्चन में. मतलब 40 इक्विवेलेंट टू 48. तो 1 की वैल्यू क्या आ गई? 48/40. और हमें निकालनी कितनी? टोटल कितनी थी? मतलब ये 1 को हमें 100 बनाना पड़ेगा. तो 100 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी होगा. तो ये टोटल आ जाएगा 4 × 4, 4 × 4, 4 × 8, 120 चॉकलेट्स. दूसरा तरीका ये है कि हम मान लेते हैं टोटल चॉकलेट्स सी. अब 1/4 खाली, तो उसके पास बची कितनी? 3/4. और फिर बची, ये इतनी बची चॉकलेट्स हैं, इसमें भी अब उसने 20% जो है 33.33% उसने अपने दोस्तों को दे दी. मतलब 1/3. तो बची कितनी? 2/3. अब इसमें भी उसने 20% किड्स को दे दी. 20% कितना होता है? 1/5. तो बची कितनी? 4/5. इन टोटल, इसकी टोटल वैल्यू, तो हमारे पास ये पूरी बची चॉकलेट्स कितनी दी गई है? 48. तो इक्वल टू में 48 रख देंगे. अब इसे हम सॉल्व करेंगे. 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, और 24 × 5 = 20, 2 × 10 = 11, 12, 120 चॉकलेट्स. ये दूसरा तरीका था. इसी तरह की वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए.